नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे पेशेंट्स आकर हमें पूछते हैं कि मैम हमें पता नहीं लगता कि हमारे ओव्यूलेशन डेज कौन से हैं या किन दिनों में हमारे अंडाशय से अंडा रिलीज हो रहा है और हमें प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना चाहिए। कैसे पता लगेगा? क्या हमारी बॉडी कुछ साइंस या सिम्टम्स देती है? बिल्कुल देती है। इस वीडियो में हम आपको वही साइंस और सिम्टम्स बताने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपको अपनी बॉडी में ये पता लगेगा कि आप कब ओव्यूलेट कर रहे हैं। सबसे पहले जो आपको पहला काम करना है वो ये है, पे अटेंशन टू योर बॉडी। आपको अपनी बॉडी पे पूरा ध्यान देना है पीरियड के 10वें दिन से लेके 18वें दिन तक, बिकॉज इन्हीं दिनों में आप ओव्यूलेट करते हैं। जब भी आपको ओव्यूलेशन होता है आपका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करता है अप्रोक्स 1 डिग्री फॉरेनहाइट तक, तो आपको शरीर में थोड़ी सी गर्माहट महसूस होती है, नीचे वेजाइना में थोड़ा सा गर्म या जलन महसूस होती है, तो ये एक हीट फीलिंग है जो आपको बता सकती है। सेकंड, जो नॉर्मल फीमेल्स में एक वाइट डिस्चार्ज होता है वो थोड़ा सा थिक या थोड़ा क्रीमी होता है, लेकिन जब आपको ओव्यूलेशन होता है तो वो एग वाइट जैसा हो जाता है। लाइक अगर आप उसको दो फिंगर्स के बीच में रखेंगे तो उसमें एक जाली जैसी बनती है, वो थोड़ा सा थिक हो जाता है और थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं कि आपको ओव्यूलेशन हुआ है या नहीं हुआ है। थर्ड पॉइंट, जो वेजाइना है वो थोड़ा सा वेट रहता है कंपेयर टू अदर डेज, और किसी किसी महिला में थोड़ी सी स्पॉटिंग भी होती है ओवुलेशन के टाइम पर, क्योंकि वो एंडोमेट्रियम में जो इस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज होता है उसका साइन होता है। तो उस टाइम पर भी आपको घबराना नहीं है, वो एक इंडिकेटर है कि आप ओव्यूलेट कर रही हैं। बहुत सारे पेशेंट्स में, मैं ये नहीं कहती सभी में, लेकिन अप्रोक्स 20% ऑफ फीमेल्स में लोअर एब्डोमेन में किसी एक साइड पर, राइट साइड पर या लेफ्ट साइड पर पेन होता है। ये स्लाइट पेन या किसी किसी को बहुत ही सिग्निफिकेंट पेन होता है जिनसे उनको ये पता लग जाता है कि उन्हें ओव्यूलेशन हो रहा है, और इसके हिसाब से वो संभोग करके गर्भाशय की प्राप्ति कर सकती है। इसके अलावा सेक्सुअल डिजायर जो है वो इंक्रीज हो जाती है। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ये बताते हैं कि आप ओव्यूलेशन, आपकी बॉडी में ओव्यूलेशन हो रहा है। लेकिन ये जानने के लिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको अपनी बॉडी को उतना टाइम देना पड़ेगा, 2-3 साइकिल तक रेगुलरली ऑब्जर्व करना पड़ेगा, बॉडी को उतना अटेंशन देना पड़ेगा। इसके अलावा जो बहुत एक्यूरेट मेजर्स हैं वो है अल्ट्रासाउंड में फॉलिकुलर मॉनिटरिंग। हम फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करके अंडों को देखते हैं कि आपकी राइट साइड में कितने अंडे बन रहे हैं, लेफ्ट साइड में कहाँ बन रहे हैं, वो किस दिन ग्रो कर रहे हैं और वो कब फूटने वाला है या कब वो रप्चर होने वाला है, तो वो आपको एक एक्यूरेट डेज बताते हैं। इसी तरह से आजकल मार्केट में ओव्यूलेशन किट्स आ रही हैं। उस ओव्यूलेशन किट के माध्यम से भी आप चेक कर सकते हैं कि आपके एग्जैक्ट ओव्यूलेशन डेज या फिर फर्टाइल डेज कौन से हैं। तो इस तरीके से ये दिन जो है आप जांच करके अपनी प्रेगनेंसी के लिए अगर ट्राई करेंगी तो आपके गर्भाशय धारण करने के चांसेस, गर्भ धारण करने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। आई होप ऐसा करने से आप सभी जल्द से जल्द गर्भवती हों। धन्यवाद।